शहर कोतवाली के मच्छी फाटक के निकट गोपाल जैन पुत्र अरुण जैन का जैन फर्नीचर के नाम से शोरूम है। शुक्रवार को शोरूम के पीछे स्थित कबाड़ में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। काफी देर तक किए गए प्रयासों के बाद अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया। शुक्रवार की दोपहर थाना कोतवाली के जैन फर्नीचर शोरूम के पीछे रखे कबाड़ में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की जानकारी पुलिस को दी, सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी तो दमकल की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पीछे रखा कबाड़ जलकर खाक हो गया। इस संबंध में कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जैन फर्नीचर के ऊपर टीन सेट लगाने का काम चल रहा था और वेल्डिंग की जा रही थी। ऊपर से एक चिंगारी नीचे कबाड़ में जा लगी, जिसके चलते वहां आग लग गई और समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा वेल्डिंग का काम चल रहा था, ये सारा कबाड़ा पड़ा है, ये वहाँ से ऊपर से चिंगारी गिर गई थी, इसलिए उस कबाड़े में आग लग गई थी। तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया, तुरंत गाड़ी आ गई। कितनी देर में आ गई गाड़ी? 10 मिनट में गाड़ी आ गई। आग पर काबू पा लिया? हाँ। कोई नुकसान तो ज्यादा? कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक।